हेलो फ्रेंड्स, गेमिंग रामो यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो फिर फ्री फायर के अंदर आ चुका है एक न्यू इवेंट, जिसके अंदर से हम लोग को बिल्कुल फ्री में एक लूट बॉक्स मिलने वाला। इवेंट का नेम है फ्रेंड्स कॉल बैक इवेंट, जिसके अंदर हम लोग को लूट बॉक्स मिलेगा। लूट बॉक्स की बात करें तो इस गो टू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा लूट बॉक्स देखने को मिला जो हम लोग को फ्री में मिलने वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो लूट बॉक्स है आप लोग कैसे फ्री में ले सकते हो, इसके लिए आपको कौन सा मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग लूट बॉक्स बिल्कुल फ्री में क्लेम करना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो घंटी है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ऐसे फ्री फायर की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो बताते हैं सब रिवॉर्ड आप लोग कैसे मिलेगा, और सबसे पहले ही सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो वीडियो के लास्ट में, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए सब्सक्राइब एक ठोक ही देना। तो गाइस, ये सब रिवॉर्ड लेने के लिए आपका फ्रेंड को कॉल बैक करना पड़ेगा। आप लोग इधर से एक फ्रेंड को कॉल बैक करोगे तो आप लोग को ये टोकन 6 मिल जाएगा, इसके बाद तीन फ्रेंड को कॉल बैक करोगे तो आप लोग को इधर से मिल जाएगा और एक 6 टोकन, और इधर से पांच फ्रेंड को कॉल बैक करोगे तो आप लोग को इधर से लूट बॉक्स और इधर से और 6 टोकन मिल जाएगा। तो पांच फ्रेंड को आपको कॉल बैक करना पड़ेगा। तो पांच फ्रेंड को कैसे कॉल बैक करोगे, कॉल बैक करने के लिए नॉर्मल में सबको इधर से कॉल बैक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कौन सा फ्रेंड को इधर से कॉल बैक करना पड़ेगा, जो फ्रेंड 7 डेज से ज्यादा या 7 डेज गेम खेला नहीं उस लोग को इधर से कॉल बैक करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हो ऊपर में 7 डेज से मतलब ये को लिखा हुआ है, मतलब ये 7 डेज से ज्यादा गेम 7 डेज पहले गेम खेलता था, अभी गेम नहीं खेल रहा है, मतलब 7 डेज ऑफलाइन है। तो उस लोग को ही आप लोग को शेयर करना पड़ेगा 7 डेज ऑफलाइन है या 13 दिन 14 दिन जैसे लिखा है देख सकते हो आप लोग को, उसके साथ इधर से मतलब ये जो मतलब लिंक को शेयर करना पड़ेगा और उधर से कॉल बैक करना पड़ेगा। तो कॉल बैक करने के लिए क्या करना है, इधर से इनवाइट नाउ ऑप्शन लिखा आ रहा है, इनवाइट नाउ ऑप्शन के ऊपर आपको नॉर्मल से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया ओपन हो जाएगा। आप लोग इधर से आपका फ्रेंड जिधर भी व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर, जिधर भी आप लोग इधर से उसका शेयर करके आप लोग नॉर्मल सा उसके साथ कॉल बैक कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम वन मोबाइल ट्रिक बताएंगे जो आप एक ही मोबाइल के अंदर कैसे कॉल बैक कर सकते हो। तो एक ही मोबाइल के अंदर करने के लिए नॉर्मल सा आपको ऐसे करना पड़ेगा, और जैसे इनवाइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल सा व्हाट्सएप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फ्रेंड के पास ये वाला लिंक को शेयर करना, नॉर्मल सा मैं इधर से शेयर कर दे रहा हूँ। शेयर करने के बाद इधर से देख सकते हो शेयर हो चुका है। शेयर होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल काम हो गया उसके बाद आपका फ्री फायर के अंदर जाना पड़ेगा। हमेशा मैं फ्री फायर के अंदर चलता हूँ। फ्री फायर के अंदर आने के बाद आपको इधर से क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्री फायर है फ्री फायर को लॉग आउट कर देना। बट इस फ्री फायर को लॉग आउट करने से पहले आपका यूआईडी इधर से कॉपी करना, आपका प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर आके इधर से आपका यूआईडी देखने को मिला, ये यूआईडी को आपको हमेशा इधर से कॉपी करना। कॉपी का साइड में ऑप्शन देखने को मिला, कॉपी करने के बाद आपको इधर से जो फ्री फायर को इसको लॉग आउट कर देना पड़ेगा। तो मैं इधर से नॉर्मल से लॉग आउट करता हूं, इधर से सेटिंग के अंदर चलते हैं, इसके बाद लॉग आउट करते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आप लोग भी बोलोगे स्किप्टेड वीडियो। तो लॉग आउट हो गया, लॉग आउट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री फायर को इधर से पूरा काट देना पड़ेगा, इधर से पूरा ऐसे काट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर से ऊपर में से आपका जो मोबाइल के एयरप्लेन मोड होता है ना, ये जो एयरप्लेन मोड का एक ऑप्शन देखने को मिला, इधर आपको क्लिक करना पड़ेगा 2-3-4 बार ऐसे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको छोड़ देना पड़ेगा, नॉर्मल से ऐसे मतलब हो रहा है तो जब तक इधर से टावर नहीं आ रहा है तब तक आपको फ्री फायर ओपन नहीं करना होगा। तो थोड़ा इधर से वेट करते तो इधर से देख सकते हो टावर आ रहा है, स्किप नहीं करेंगे यार, आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो इधर से टावर आ चुका है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप के अंदर, नॉर्मल सा में व्हाट्सएप के अंदर चलते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद आपको जो लिंक जो शेयर किए वो लिंक के ऊपर नॉर्मल सा क्लिक करना होगा। बट उससे पहले आपका जो फ्रेंड मतलब आप शेयर किए हुए उसका यूआईडी कॉपी करना, नॉर्मल सा उसका यूआईडी नीचे लिखा आ रहा है देख सकते हो। तो नॉर्मल सा लिंक के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद नॉर्मल सा क्रोम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से क्लिक हो चुका है उसका ज्वाइन नाउ बोल के ऑप्शन लिखा आ रहा है, ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर फ्री फायर ओपन हो रहा है, तो आपके सामने ही आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो भी जैसे फ्री फायर ओपन हो रहा है, थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो देखते हैं कि कब तक ओपन होता है। तो गाइस देख सकते हो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको इधर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको नॉर्मल से इधर से जीमेल फेसबुक देखने को मिला, गेस्ट अकाउंट देखने को मिला, मोड देखने को मिला। मोड के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके इधर से गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इधर से थोड़ा लोडिंग होगा, इसका आपका जीमेल ओपन हो जाएगा, जो जीमेल के अंदर आपका फ्री फायर है वो ओपन करना। नॉर्मल से मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखते हैं क्या इंटरफेस आता है। तो ओपन हो चुका है, तो इसको स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद जैसे ओपन हो रहा है देख सकते हो,
तेजिया से ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने देते हैं। तो लोडिंग हो चुका है, लोडिंग होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है आपके सामने, तो आप लोगों को इधर से दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इधर से ओपन हो चुका है, इधर से कॉल बैक इवेंट के अंदर आ चुका है, देख सकते हो डायरेक्टली कॉल बैक इवेंट ओपन हो चुका है। बट इधर से कॉल बैक इवेंट कॉम्प्लीट नहीं हुआ। जी हाँ गाइस, कॉम्प्लीट नहीं हुआ। क्यों कॉम्प्लीट नहीं हुआ वो भी मैं इस वीडियो का बता दूंगा। तो कॉम्प्लीट क्यों नहीं, इधर से फ्रेंड ऑप्शन के बाद जैसे जाओगे आप लोग को इधर से कॉल बैक देखने को मिलेगा, बट जैसे कॉम्प्लीट नहीं हुआ। जैसे ये वाला इवेंट आओगे, ये वाला इवेंट जैसे ओपन होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाना चाहिए था, ऐसे आप लोगों को क्लेम ऑप्शन आ जाना चाहिए था, इधर से आपको आपका मतलब यूआईडी बनाने का ऑप्शन आ जाना चाहिए था, इधर से रिवॉर्ड का देखने को मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक ऐसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वाला इवेंट कंप्लीट करने के लिए आपको फेसबुक का अकाउंट चाहिए, समझ रहे हो ना, आपका फ्री फायर का फेसबुक का अकाउंट चाहिए। आप नॉर्मल से ऐसे मैं जीमेल देकर लॉग आउट मतलब लॉग इन किया, जीमेल देकर लॉग इन करोगे तो ऐसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला इवेंट के अंदर देख सकते हो जैसे इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे इधर फ्रेंड ऑप्शन नहीं है, इधर न्यू अकाउंट है इसलिए फ्रेंड नहीं है। तो आप लोग इधर से जैसे आपका फ्री मतलब फेसबुक का अकाउंट क्लिक करोगे तो होगा, जीमेल अकाउंट के अंदर होने का तो बहुत ही समझो 90% चांस है नहीं हो सकता है। ये आपका फेसबुक का अकाउंट होगा तो आपका नॉर्मल सा हो जाना चाहिए था, जो फेसबुक का अकाउंट 7 डेज से ओपन नहीं किया, इसलिए अरे आपके पास दोस्त है तो आप शेयर कर देना ऐसे जैसे जैसे मैं बताया ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक करके, ऐसे आपका उसका दोस्त का फ्री फायर ऐसे ओपन करके। जैसे इधर आओगे वो आने के बाद ऐसे इधर से फ्रेंड ऑप्शन का जैसे आओगे, फ्रेंड ऑप्शन का जाना ही नहीं पड़ेगा, नॉर्मल से जैसे ओपन करके नॉर्मल सा वाला इवेंट ओपन ही हो जाएगा। तो यार मैं बता दिया इधर से जीमेल अकाउंट का नहीं होगा, आपको जैसे फेसबुक का अकाउंट आपको मतलब लिंक करना पड़ेगा, तो ओपन करना पड़ेगा फेसबुक का अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपका कोई मतलब ओल्ड आईडी है जिसका साथ फेसबुक कनेक्ट है, तो वो वाला इधर से ऐसे ट्राई करना जैसे मैं दिखाया। और आपके पास कोई फेसबुक का अकाउंट नहीं है, सब सिर्फ जीमेल का अकाउंट है, तो आपको नॉर्मल से क्या करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड के पास शेयर करना पड़ेगा, आपका फ्रेंड के पास जो फेसबुक का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट फ्री फायर का कनेक्ट है, जो फ्री फायर 7 डेज ओपन नहीं हुआ या 7 डेज से ज्यादा ओपन नहीं हुआ, उसके साथ इस वीडियो को मतलब वो लिंक को शेयर करके लिंक के ऊपर क्लिक करके जैसे मैं क्लिक कर करके आया ओपन किया, ऐसे आपको आपका फ्रेंड को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ओपन करेगा आपका रिवॉर्ड इधर से मिल जाएगा, इधर से आके इधर से नॉर्मल सा क्लेम कर लेना, क्लेम कर जैसे आपका फ्रेंड क्लेम करेगा उसको इधर से लूट बॉक्स मिल जाएगा, और आपको इधर से एक फ्रेंड का जो मिशन है कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे 5 फ्रेंड को कॉल बैक करते हो तो आप लोग को इधर से जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे ना कैसे आप लोग ये वाला इवेंट कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करने के बाद कैसे कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप लोग को पूरा फुल डिटेल के साथ बता दिया, आपको ये वाला इवेंट कंप्लीट करने के लिए आपका फेसबुक का अकाउंट चाहिए, फेसबुक का अकाउंट नहीं है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर करना, तो आप लोग को हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।